हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्पीड कार चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में कि इस मतलब कि दिसंबर 2021 में टाटा मोटर्स ने अपने कितने प्रोडक्ट्स कितने यूनिट्स वाइज बेचे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम स्पीड कार चैनल पे और भी बहुत सारे ब्रांड्स के इंडिविजुअल वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट कार है टाटा नेक्सॉन, जिसके 12,899 यूनिट्स बिके हैं इन दिसंबर 2021। इस गाड़ी ने कमाल कर दिया है, मतलब टॉप सेलिंग एसयूवी बन चुकी है ये 2021 में। फर्स्ट नंबर पे आई थी ये, आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे है टाटा पंच, जिसने 8,008 यूनिट्स सेल्स हुए इन 2021। इस कार ने अपना मार्केट बहुत जल्दी क्रैप कर लिया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बिकॉज ऑफ इस कार के माचो लुक्स। इस कार के जो लुक्स है वो काफ़ी कूल है, आगे से तो पूरी की पूरी हैरियर से लगती है देखने में, और ये कहेंगे इसका प्लस पॉइंट है जिससे गाड़ी इतनी जल्दी मार्केट में जम गई है। थर्ड नंबर पे है टाटा एल्ट्रोस, जिसके 5,009 यूनिट्स बिके इन दिसंबर 2021। इस कार का बिकने का रीज़न कहीं ना कहीं इसका लुक्स है। इस कार के लुक्स काफ़ी अग्रेसिव लगते हैं देखने में, एकदम पंची नहीं कह सकते, एकदम शार्प लुक दिए हुए, एकदम कर्वी लुक दिए हुए इस गाड़ी में। और ये गाड़ी कम्पीट करती है बलेनो और i20 के साथ। ये ऐड होती है प्रीमियम हैचबैक में। इसका के लुक्स काफ़ी कूल है देखने में, बलेनो i20 से काफ़ी अच्छी लगती है देखने में मुझे, ये एकदम अग्रेसिव है ना। सो फोर्थ नंबर पे आई है टाटा टियागो, जो टाटा की सबसे अफोर्डेबल कार है। आपको बताइए, टाटा के रेंज में सबसे बेसिक कार है टाटा टियागो, जिसकी 3,675 यूनिट्स बिके इन दिसंबर 2021। कहीं ना कहीं पंच के आने के बाद इस गाड़ी के सेल्स फिगर पे इफेक्ट आया है। फिफ्थ नंबर है टाटा हैरियर, जिसकी 2,234 यूनिट्स बिके इन दिसंबर 2021 में। सॉरी, इस कार का भाई अलग ही अंदाज है। इस कार को देख के मुझे हमेशा फॉर्च्यूनर का लेवल की गाड़ी लगती है। सो ये टाटा की काफ़ी अच्छी गाड़ी रहेगी, और इस गाड़ी की वजह से टाटा कहीं ना कहीं ऊपर आया है। एक नेक्सॉन और टाटा हैरियर, इन दोनों का काफ़ी मतलब रहा है योगदान। टाटा टिगोर, इसकी 1,194 यूनिट्स बिके इन दिसंबर 2021 में। ये 6 नंबर पे आई है। टिगोर और टियागो में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि टिगोर सेडान वर्जन है और टियागो हैचबैक वर्जन है, बाकी फीचर्स वाइज, इंटीरियर क्वालिटी वाइज, हर एक्सटीरियर क्वालिटी हर जगह से सेम ही है। 7 नंबर पे आई है टाटा सफारी, इसकी 1,481 यूनिट बिके इन दिसंबर 2021 में। इस कार को आप समझ लीजिए कि टाटा हैरियर का ये एक 7 सीटर वर्जन है। लुक्स वाइज एकदम सेम, ये सिर्फ लेंथ में थोड़ी लंबी है बिकॉज ऑफ ये 7 सीटर है, और इसके अलावा की डिज़ाइन थोड़ी अलग है, बाकी ये सेम टू सेम ही है। लुक वाइज में इतना कुछ फ़र्क नहीं है। ये भी एक काफ़ी अच्छी कार है, जिसको 7 सीटर चाहिए वो गाड़ी ये कंसिडर कर सकता है। टाटा ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, फिर वो प्रोडक्ट वाइज हो, सर्विस वाइज हो, काफ़ी चीज़ों में टाटा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और ये एक अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है। अच्छी बात तो ये है कि टाटा अपनी इंडिया की कंपनी है जो आज इतनी आगे बढ़ रही है, ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। सो गुड। और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्पीड का को सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके।